की जो ये महफिल है इसका नाम है कशफुल महजूब का हलका। क्या नाम है? आइंदा इसी नाम से ही इसको पुकारा जाएगा। दर्स सिर्फ जुमेरात को होता है, ये महफिल दर्स नहीं है। इसको इसी नाम से पुकारा जाएगा। किस नाम से? कशफुल महजूब का हलका। इसलिए मैंने कहा था भी थोड़े आदमी आओ, अच्छा हुआ थोड़े आए, बस थोड़े आए, इस थोड़ी सी महफिल को समझे, बस इसको समझ के अगर पा जाए ना, बस समझ ले, बस ये कमाल मिले। आज मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए, तवज्जो से, ध्यान से, पूरे शऊर से, पूरे इन्हिमाक से समझने की कोशिश की। तो ये इस आज की महफिल का क्या नाम है? कशफुल महजूब का हलका। कशफुल महजूब का, एक ऐसे मुहसिन का तस्करा है, एक ऐसे मुहसिन का जिसने बरे सगीर के अंदर रूह रूहानियत अल्लाह से रसूल की पहचान और मोहब्बत इलाही और मोहब्बत मुस्तफाई का बीज डाला। उनका नाम था अली, वालिद का नाम था उस्मान, दादा का नाम था शुजा और मुर्शिद का नाम था शेख अबुल फजल खतली। देखें, तीन तबकात को अब तक के इस्लाम के साथ जोड़ा गया है। इस्लाम को तीन तबकात के साथ शुमार किया गया। पहला तबका दावत का है। अब तक दीन तीन हिस्सों में तकसीम हो, दावत, तालीम और ताल्लुम और तज़किया। पहला जो दौर आया जिसको खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, जो पहला दौर आया खैरुल कुरून का, वो दौर सहाबा और खुलफ़ाए राशिदीन का, हजूर का और खुलफ़ाए राशिदीन का दौर, उसको खैरुल कुरून कहते हैं। जो खैरुल कुरून का दौर है इसमें सिर्फ दावत थी। फिर खैरुल कुरून के दौर में उम्मत दावत से हटी, फिर तालीम और ताल्लुम में आई, फिर मुहद्दिसीन का दौर आया, मुहद्दिसीन का दौर आया, इमाम बुखारी का दौर आया, बड़े बड़े मुहद्दिसीन का दौर आया, फिर इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का दौर आया, उनके शागिर्द थे इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, उनका दौर आया, उनके शागिर्द थे इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनका दौर आया, फिर उनके शागिर्द कौन थे? इमाम शाफी थे, उनका दौर आया, फिर उनके शागिर्द थे इमाम अहमद, ये तालीम का दौर है, तालीम और ताल्लुम का दौर। फिर ये दौर भी खत्म हो गया। तीसरी सदी के बाद फिर ये दौर शुरू हुआ, वो दौर शुरू हुआ तज़किया का। उस दौर को कहते हैं तज़किया। ये मैं अदवार बता रहा हूँ, तारीख और सीरत की किताबों के वसी तहकीक, मुहद्दिसीन की तहकीक, मेरी नहीं, मुहद्दिसीन की, फुकहा की, उलमा की, अहदुल्लाह की, सालहीन की, सहब तहकीक लोगों की तहकीक अर्ज कर रहा हूँ। फिर तज़किया का दौर आया और तज़किया में बड़े बड़े अहलुल्लाह की खानकाहें थी। बड़े बड़े अहलुल्लाह ने जब देखा कि दावत गई, दावत से लोग करीब आते थे, दावत गई, तालीम और ताल्लुम का दौर आया, हो गया, अब उम्मत को बचाना है। उम्मत को बचाने के लिए फिर अल्लाह वालों ने अपने हल के फिर खानकाहें कायम की, जगह 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 जगह, क्योंकि आज उम्मत के इस बच्चे सरमाए को अल्लाह के अल्लाशान हो की मोहब्बत का जाम पिलाने के लिए इन खानकाहों का इहतमाम किया। तो वो तज़किया का दौर है। इस तज़किया के दौर में बड़े बड़े शाहसवार आए, बड़े बड़े नामवर दुर्वेश आए, बड़े बड़े अहलुल्लाह आए, और कहां कहां से हिजरत करके कहा। लाहौर की जो सरजमीन है, लाहौर की सरजमीन की ये एक खासियत है कि लाहौर की सरजमीन ने बहुत कम अपने वली पैदा किए। ये लाहौर की सरजमीन की खासियत, लाहौर में हमेशा बाहर के औलिया आए हैं। आप जितने भी इस वक्त लाहौर में अहलुल्लाह की तुर्बतें हैं, कोई एक दिखा दें जो लाहौर का। आज के हमारे जो मौजू है, जिस मौजू को मेरे शेख ने मुझे सबकन ये चीज पढ़ाई थी, तो हजरत अली हजवेरी को, वो अली हजवेरी नहीं फरमाते थे, मेरे शेख जो थे वो कहते थे, वो जो फरमाते थे, वो फरमाते थे पीर अली हजवेरी। वो जो लफ्ज फरमाते थे ना, वो क्या फरमाते थे? पीर अली हजवेरी। मैं भी उसी नाम से ही पुकारूंगा। तो वो खुशबू जरूर लगवाते थे, आज मैंने आप सबको खुशबू लगाई। फरमाते थे जहाँ बातनी तहारत का होना जरूरी है, वहाँ जहरी तहारत का होना भी जरूरी है। जरूरी है कि अहलुल्लाह की मजालिस जहरी तहारत की मुतकाजी भी होती है। तकाजा है कि अहलुल्लाह की इन मजालिस के लिए जहरी जो है तहारत भी जरूरी है। तो फिर ऐसे ऐसे बड़े दुर्वेशों ने बड़ी बड़ी मजालिस कायम की, बड़ी बड़ी खानकाहें कायम की, दुर्वेशों को, अल्लाह वालों को प्यासों प्यासों जाम मोहब्बत पिलाने के लिए, जाम तौहीद पिलाने के लिए, जाम रिसालत पिलाने के लिए ऐसी खानकाहें कायम की। उनमें एक पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह भी थे, जिन्होंने ये जाम पिया गजनी से।
अफगानिस्तान की। अभी मैं जाय नमाज पे नमाज पढ़ रहा था, ये गजनी की जाय नमाज है। ये जो जाय नमाज है ना, ये एक साहब ने मुझे ला के दी थी। इसको फिर ये चूंकि वो ऊन की है तो ऊन में एक खास कीड़ा लग जाता है। फिर मैंने नजीब को दिया था, वो रफो करा के लाया था। ये गजनी की बनी हुई अफगानिस्तान की। अभी जिसपे हम नमाज पढ़ते हैं, हर साल मुसल्ला इसी पे पढ़ाया जाता है, रोज नमाज इसी पे पढ़ाई जाती है। तो गजनी अफगानिस्तान का एक मशहूर सूबा है। तो वहां रिवायात में दो नाम आते हैं, नसीरुद्दीन या नसरुद्दीन, लेकिन ज्यादा मोतबर नाम नसरुद्दीन सबक तवीन। महमूद गजनवी का वालिद था ये। और इसको बख्त कैसे लगा? इसने एक हिरनी का पीछा किया, शिकार में था। बादशाह नहीं था, सरदार था, मालदार था, अपने इलाके का बड़ा था, अमीर सुल्तान नहीं था। एक हिरनी का इसने पीछा किया। जब हिरनी का पीछा किया तो हिरनी जो है वो भागते भागते, हिरनी तो भाग गई, उसका साथ बच्चा था, वो उसका साथ ना दे सका। तो साथ तो सुल्तान नसरुद्दीन ने सबक तगीन, जुबान पे लफ्ज नहीं चढ़ रहा, उसने जो है ना बच्चे को पकड़ लिया। और बड़ा खूबसूरत बच्चा था। अब ये जब चला ना तो इसको पीछे आहट महसूस हुई। देखा तो हिरनी प्यासी मामता की तरह, कैसे आंखों से आंसू थे उसके और जुबान हाल से कह रही थी, मेरी मामता को तड़पा के तू अपनी खुशियां तलाश कर रहे, तो कहां खुशियां तलाश करेगा, मेरी मामता मुझे वापस कर रहे। जब शाम आएगी मैं दूध किसको पिलाऊंगी, मेरी शाम आएगी फिर मैं बोसे किसको दूंगी और लूंगी, और अपनी गोद मेरी खाली हो जाएगी। मेरी मामता को तड़पा के तू अपनी खुशियां तलाश कर रहा, दे दे इसको वापस। बस एक आवाज अंदर इसके उठी कि ये हिरनी जो है मुझे ये पैगाम दे रही है। आवाज उठी, बस इसके मन में अल्लाह जल्ला शानहु ने ये बात डाल दी इसके दिल में। इसने जो है हिरनी का बच्चा छोड़ दिया। जब हिरनी का बच्चा छोड़ा ना, तो रात को सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, सुभान, ख्वाब में आए। आपको मैं जो आज ये कश्फुल माजूब का हल्का है ना, ये बड़ा दिलचस्प हल्का है। आज आप देखिएगा कि आप तलब करेंगे फिर कब हो, सच्ची बात, बड़ा रूह परवर हल्का है। और ये भी बता दूं आपको, ये भी बता दूं, शायद मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह ने ये 3 साल तक ये हल्का लगाया था। 3 साल में कश्फुल माजूब, 3 साल से ज्यादा कश्फुल माजूब खत्म हुई थी, 3 साल लगे थे। और सदियों से ये हल्का नहीं लग रहा कि कश्फुल माजूब सबकन पढ़ाई जाती हो। मैं हजरत सवाने पढ़ रहा था हजरत लौही रहमतुल्लाह अलैह की, फरमाया मैंने हजरत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी से जंगलों में जाके हुज्जतुल्लाह अल बालगा सबकन पढ़ी थी। हाँ, जंगलों में हुज्जतुल्लाह अल बालगा, जंगलों में जाके मैंने सबकन पढ़ी थी, सबकन पढ़ी थी। और ये किताब है इस वक्त मेरे हाथ में, मलफूजात शामीना रहमतुल्लाह ताला अलैह, शेख मोहम्मद बिन शेख कुतुब अल मारूफ शामीना लखनवी। बहुत बड़े अल्लाह के दरवेश गुजरे हैं, अल्लाह वाले गुजरे हैं। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस तैयब रहमतुल्लाह अलैह ने अखबारुल अखियार में शेख मोहम्मद शामीना के सवाने में लिखा है, 15वीं सदी ईस्वी में लखनऊ यूपी के सहबी विलायत बुजुर्ग थे, जिन्होंने राह सलूक में बड़ी रियाजतें और मुशक्कतें उठाई। आपने तसव्वुफ में अवारिफुल मारिफ जैसी बुनियादी किताब अपने वक्त के फकीह और आरिफ बिल्ला हजरत मौलाना आजम साहब से पढ़ी। ये अवारिफुल मारिफ मेरे हाथ में, तसव्वुफ की बहुत बड़ी किताब है अवारिफुल मारिफ। ये किताब शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह ने ये किताब सबकन पढ़ी। ये सबकन पढ़ना अल्लाह वालों की तरतीब थी। केमिस्ट्री तो सबकन पढ़ना तरतीब है, फिजिक्स भी है, अलिफ अनार का कायदा भी है, अल्लाह वालों की मोहब्बत और अल्लाह का ताल्लुक और राह सलूक के मनाजिर सबका पढ़ना रिवाज से चला गया, इसलिए नया नजर आता है। ये अवारिफुल मारिफ हजरत शेख अबुल हफस उमर बिन मोहम्मद अब्दुल्ला शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह की। ये शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी सिलसिला सोहरवर्दिया के बानी, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी सोहरवर्दी है। हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी सोहरवर्दी सिलसिला सारा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर को सोहरवर्दी सिलसिले की भी इजाजत है। तो ये शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह जो है, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, ये किताब शामीना रहमतुल्लाह अलैह ने क्या पढ़ी थी? सबकन पढ़ी थी। ये किताब सबकन पढ़ी थी। तो बात चली थी हिरनी वाली, सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात को ख्वाब में जियारत हुई और आपने फरमाया कि नसरुद्दीन मफहूम है आपकी गुफ्तगू का, कि तूने एक हमारी मखलूक पे तरस खाया, रहम
अल्लाह पाक तुझे मुल्क देगा, अल्लाह तुझे इख्तदार देगा और तेरी नस्लों में मुल्क और माल पर इख्तदार अता करेगा। तो मान ही नहीं था इसको मुल्क और माल मिल जाएगा। बहुत थोड़े ही अरसे में ये गुलाम था, एक बादशाह का गुलाम था। गुलाम बादशाह के एक नहीं होते, सैकड़ों हजारों होते। लेकिन बादशाह को मौत आ गई। बादशाह की मौत के बाद इख्तदार के लिए, ताज के लिए इसका इंतखाब हुआ कि ये इस काबिल है कि बादशाह का तख्त संभाल सके, इस काबिल है। ये वो दौर था जब हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी पैदाइश के मराहिल में विलायत के मकाम तय कर रहे थे। ये वो दौर था। मैं दौर आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, ये वो दौर था। फिर महमूद गजनवी का दौर आया। महमूद गजनवी के दौर में पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह जवानी के आलम में थे, जवानी के आलम। और गजनी के जल्लाब में ये पैदा हुए हैं। दो गजनी के मोहल्ले हैं, एक जल्लाब है, बाज जल्लाब कहते हैं, बाज जुल्लाब कहते हैं, उस पर पेश कहते हैं, बाज जबर देते हैं। और एक इलाका है हजवेर, और एक तीसरा इलाका भी है वहां, जैसे मोहल्ले हैं लाहौर के कई मोहल्ले हैं, वो मुजंग है, जहां आप मुजंग में बैठे हैं। ये मुजंग हजवेर का मोहल्ला है, हजवेर का नहीं, गजनी का मोहल्ला। और ये मुजंग क्यों मशहूर हुआ? शाह अबू इसहाक मुजंग, शाह अबू इसहाक। ये साथ टेंपल रोड पे, यहाँ आगे जाए तो आगे मामा कबाबों वाला है, उसके साथ गली है, वहां शेख की दुर्गा। ये भी वहां से तशरीफ लाए थे एक फिक्र लेकर, एक गम लेकर कि मखलूक खुदा को अल्लाह की मोहब्बत सिखानी है और उनके दिल में कमली वाले का इश्क और दर्द देना है। बस ये गम था और ये फिक्र था। हबीबे खुदा दे फकीरा तो सदके, फकीरा दे रोशन जमीरा तो सदके, न दौलत तो सदके न जन्नत तो सदके, तेरी जुल्फ दे जा असीरा तो सदके, जिना रूमी जामी ते सादी नु दंगया, मैं उना प्यारी अखियां दे तीरा तो सदके। ये मकसद लेके आए थे। 34 साल की उम्र में रिवायात में आता है कि पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह लाहौर में तशरीफ लाए। बाद रिवायात में आता है महमूद गजनवी के लश्कर के साथ आए, और बाद रिवायत में आता है कि आपके लश्कर के बाद तशरीफ ले। महाराजा की हुकूमत थी, महाराजा आनंद उसकी हुकूमत थी। और ये किसी किताब में, जो बात मैं अब अर्ज कर रहा हूँ, किसी किताब में नहीं मिलती। मुझे हजरत अली हजवेरी, पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का मुताला तकरीबन 21-22 साल मैंने किया है। सबकन भी पढ़ा, 21-22 साल किया, किसी किताब में नहीं मिली ये बात। बाज ऐसी बातें मैं आपसे अर्ज करूंगा जो मेरे शेख की कशफी बातें। आप जब तशरीफ ले आए तो ये सारा इलाका जंगल था जहां आप बैठे हैं इस वक्त। शहर तो अंदर दरवाजों के अंदर था, ये तो सारा जंगल ही था, ये सब जंगल था। और जहां अब मियानी साहब का कब्रिस्तान है, यहां सारे टीले थे, अब भी ये टीलों पे है कब्रिस्तान, ऊंचा नीचा ऊंचा टीलों पे। तो यहाँ एक टीले पे आपने जो है एक कुटिया सी बनाई, झोपड़ी बनाई, और अल्लाह जल्ला शानहु का नाम लेना शुरू कर एक टीले पे। जैसे हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह अजूधन से, जिसका दूसरा नाम पाक पतन है, वहां से तशरीफ लाए और शेख की तुर्बत पे चिल्ला कशी के लिए, मुराकबे के लिए, तो अदब के तकाजे को सामने रखते हुए वहां नहीं गए। उनसे इधर एक टीला था जिसका अब भी जिला कचहरी के साथ नाम है टिब्बा फरीद, है टिब्बा फरीद। वो टिब्बा जो था, वो टीला जो था, उस टीले पे आपने जो है चिल्ला काटा है, उस टीले पे चिल्ला काटा है, अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह की जात में हमातन मसरूफ है। तो शेख यहाँ तशरीफ ले और यहाँ आके अल्लाह की मोहब्बत की तरफ लोगों को मुतवज्जे की। रिवायात में आता है कि आपने एक शादी की, अहलिया जो है उसमें से फौत हो, बास कहते हैं कि उसमें बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मोहम्मद था। किताबों में ये बहुत कम रिवायात में आता है, लेकिन मेरे शेख ने फरमाया, चूंकि मैं, मेरे मुर्शिद जो थे हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके हाथ पे मैं सबको बैत करता हूँ, ये जो फकीर है अपने हाथ पे बैत नहीं करते, अपने मुर्शिद के हाथ पे बैत करते, मेरे मुर्शिद अपने मुर्शिद के हाथ पे बैत करते थे, ख्वाजा अवैस करनी सानी रहमत, उनके मुर्शिद बैत करते, ख्वाजा मोहम्मद इराकी रहमत। तो उनमें से एक बेटा था, उसका नाम मोहम्मद रखा। बीवी जो है वो फौत हो गई, उसके बाद शादी नहीं, इसलिए कशफुल महजूब में एक पूरा बाब बांधा है तजव्वुज का और तजर्रुद का, कि बगैर शादी की जिंदगी गुजारना कैसे है और शादी की जिंदगी गुजारना कैसे, पूरा बाब है। उस एक बेटे में से इनकी नस्ल बहुत बड़ी, इसलिए हजवेरी सिलसिले के दरवेश नहीं है। उस एक बेटे में से ये जो मौजूदा गद्दी नशीन है,
ये है शेख हिंदी की नस्ल में से। उनके साथ बारे में भी एक वाक्य आता है कि यहाँ एक शख्स था जो बहुत ज्यादा करामात दिखाता था, जादूगर था, हिंदू था। तो उसने शेख का मुकाबला किया कि लोग तो इसकी तरफ को तवज्जो है, क्योंकि कोई नौवारिद फकीर आ जाए यहाँ कहीं तो उसके बारे में हसद खुद बहुत हो ही जाता है कि मखलूक खुदा उसकी तरफ मुतवज्जो क्यों हो रही है। हम साल साल से यहाँ बैठे हैं, सारी जिंदगी हमारी यहाँ गुजरी है, हम जब भी पुश्ती यहाँ के रहने वाले हैं तो मखलूक खुदा इसकी तरफ मुतवज्जो हो रही है, क्यों हो रही है। तो उसने उड़ना शुरू किया। शेख ने अपनी जूती फेंकी तो जूतनी ने जाके उसकी खबर ली, ऊपर उसको जूतियां लगनी शुरू हो गई। वो नीचे आया तो कसम में पड़ गया, कहने लगा मेरा जादू था आपकी करामत। अब भी वो शेख की तुर्बत में साथ ही सो रहा है, शेख हिंदी रहमतुल्लाह, उसका नाम रखा शेख हिंदी रहमतुल्लाह, क्योंकि शेख की जुबान फारसी थी। कशफुल महजूब असल फारसी में लिखी है और दकीक फारसी है, पुरानी फारसी। सादी शिराजी का हाफिज का दीवान, उनकी भी फारसी है लेकिन उनसे भी मुश्किल तरीन फारसी है जो कि फारसी दान लिखते हैं। मौजूदा गद्दीशीन उस वक्त से अब तक उन्हीं की आल में से बंदे चले आ रहे हैं, लेकिन आपकी जो आल थी, आपका हस्ब और नस्ब था, वो बहुत कम फैला फला हुआ। मेरे शेख हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला हजवेरी रहमतुल्लाह के बारे में थोड़ी सी आज आपको वजाहत कर दे, कौन थे, क्या थे। ये पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह की आल में से थे। गजनी से ये हजरत तशरीफ ले आए दिल्ली में, इनको दिल्ली का तख्त मिला, दिल्ली में तशरीफ। पूछा काशगरी में, दिल्ली में रहते थे, पूछा अब भी दिल्ली में है, पूछा काशगरी, दिल्ली में रहते थे। मेरे मुर्शिद जो थे, तबाबत का हिकमत की तरतीब थी उनकी। 80 से ज्यादा साल की उम्र में आपका विसाल हुआ, शादी की इब्तदाई तौर पे, औलाद नहीं हुई, अहलिया का विसाल हो गया, उसके बाद फिर याद इलाही में मशगूल हुए, शादी फिर नहीं। बाद अज विसाल उनके बारे में फकीर को एहसास पहले से था, इदराक भी था, यकीन था, लेकिन बाद अज विसाल करीब लोगों को पता चला कि वो साहिब मनसब थे, अब्दाल थे। और हजरत बाकी बिल्ला का कब्रिस्तान है कूजा काशगरी के साथ दिल्ली में, उनके बड़े जो हैं हजरत हजवेरी रहमतुल्लाह के जो बड़े थे, वो सारे के सारे वहां आके आबाद हुए। और फिर ये वहां से लाहौर तशरीफ लाए। लाहौर में कश्मीरी बाजार के अंदर एक हकीम साहब होते थे, हकीम आजाद शिराजी साहब रहमतुल्लाह, उनके यहाँ उनका कयाम होता था। मैं चंद अहबाब को वहां ले भी गया, उनके यहाँ कयाम होता था, बहुत कम लोगों को बैत फरमाते थे। खिलाफत किसी को नहीं दी, इस फकीर को ये मनसब दिया, जिम्मेदारी दी, अल्लाह मुझे इस काबिल बना दे। खिलाफत किसी को नहीं दी, बैत भी आम किसी को नहीं फरमाते थे, कम गो थे लेकिन बहुत ज्यादा जलाली थे। ये मुख्तसर से डाटा मैंने आपको। हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह, पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह जो थे, ये हसनी सैयद थे, हुसैनी सैयद नहीं, हसनी सैयद थे। अच्छा, ये कैसे हसनी सैयद है? इस वक्त मेरे सामने एक किताब पड़ी है, ये किताब है, इस किताब का नाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार, आपका अहले बैत का जो कुंबा था ना, उसकी तहकीक है ये किताब। ये 814 सफहात की किताब है कि सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कुंबा था, उस कुंबे की तहकीक क्या है। इस किताब में एक बात लिखी है, वाकया करबला के बाद जब बनु उमैया का जुल्म सितम बहुत बढ़ गया, तो सादात मदीना जो है, उन्होंने पनाह हासिल करने के लिए मुख्तलिफ खित्तों में फैलना शुरू कर दी। उनमें एक सैयद थे, वो उन्होंने गजनी का रास्ता लिया, रिवायात में उनका नाम आता है, वो हजरत जैद की औलाद में से थे, हजरत जैद की औलाद में से थे। वो वहां से चले तो गजनी तशरीफ ले आए, हजरत जैद की औलाद फिर वहां पहल फैली, तो पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह उन्हीं की आल में से थे, इसलिए ये हसनी सैयद है, हुसैनी सैयद, हजरत हसन की आल में से, हजरत हसन के। और इनके जो उस्ताद हैं हजरत शेख अबुल फजल मोहम्मद बिन हसन अल खतली, ये बहुत बड़े साहिब कमाल थे, सबसे पहले बैत इन्हीं से की। एक और इंकशाफ करूं आपकी खिदमत में, आमतौर पे मशहूर ये है कि लाहौर में सबसे पहले पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह तशरीफ लाए, इनसे पहले शेख इस्माइल बुखारी आए, जिनकी तुर्बत इस वक्त हाल रोड में मौजूद है। कभी किसी ने देखी है? आपने देखी है? हाल रोड में शेख इस्माइल बुखारी, ये इनसे पहले तशरीफ लाए थे बुखारा से, इनसे पहले तशरीफ लाए, और यहाँ मुसलमान उनकी बरकत से बहुत से हिंदू हो चुके थे। पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह ने आके दो काम किए, अब ये एक नुक्ता समझने का है जिसमें हमें बहुत बड़ी गलत फहमी है, ये नुक्ता याद रखे, और वो नुक्ता ये है, गर्मी तो नहीं लग रही, हफ्ता तो नहीं हो रही, ठंडा के अलहमदुल्ला, ये नुक्ता एक समझने का है और बड़ा अहम नुक्ता है।
और वो नुकता ये है, जो गौर से सुनिएगा, अगर वहां बैठते तो और ठंडक होती, छत नीचे है, तो नुकता समझने का है, गौर से समझिएगा, मजमून की वजह से भी ठंडक ज्यादा होगी, है ना। रुख से पर्दे हटे तूर जलने लगा, मेरे साकी का मुझ पे करम हो। नुकता ये है कि तबलीग गैर मुस्लिमों को है, मुसलमानों को नहीं है। किसी ने खुशी को समझा दिया कि भाई ये तस्बीह पढ़ ले, नमाज पढ़ ले, अल्लाह की मोहब्बत में आ जा, कमली वाले से उसने कहा जी आप मुझे अगर तबलीग कर रहे हैं तो गैर मुस्लिम। पीर अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो तबलीग आके की, मुसलमानों को भी की, गैर मुसलमानों को तबलीग अमल की, गैर मुस्लिम को तबलीग कलमे की। नुकता समझे। कुरान कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालों ईमान ले आओ। ईमान वाले ईमान कैसे ले आए? आप कुरान की बात सुने, कुरान कहता है ईमान वालों ईमान ले आओ, मकसद ये है ईमान की उस सतह पे आ जाओ मेरा अल्लाह चाहता है, समझ गए। तो तबलीग, तबलीग जो है वो मुसलमानों के लिए भी है और गैर मुस्लिमों के लिए है, मुसलमानों के लिए अमल की और गैर मुस्लिमों के लिए कलमे की। अब नुक्ता समझी। शेख इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पहले तशरीफ ला चुके, लेकिन देखो एक बात याद रख, ये उस करीम का निजाम है जिससे जैसे काम ले ले और जिससे जितना काम ले ले। शेख इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से काम जितना लेना था ले लिया, लेकिन पीर अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह से जो काम लेना था वो बहुत बड़ा लिया, इतना लिया कि इतना लिया कि लाखों लोग आपके फैज से फैजयाब हुए और लाखों लोगों ने जो है आपके फैज से हासिल करके जन्नत कमाई। इस वक्त जहाँ तुर्बत है पीर अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की, इस कुर्बत के साथ बहुत वसी कब्रिस्तान था, और अगली बात और भी, जहाँ टिब्बा फरीद है, जिला कचहरी है, इस वक्त सिर्फ चंद कब्रें मिलती हैं कहीं, ये पूरा बहुत बड़ा कब्रिस्तान, पूरा बहुत बड़ा कब्रिस्तान। उसको इन कुछ दोस्त आए हुए थे एजी ऑफिस में, ये साथ मस्जिद है ऊंची करके मोड़ पे, मैं उन दोस्तों के साथ था, तो वहां के लोग कहने लगे, एक तुर्बत भी थी, उन्होंने कहा यहाँ सारा कब्रिस्तान था। वहां के कारी साहब थे जो 34 साल हो गए मस्जिद में जो है इमामत करते हुए, तो वो कारी साहब कहने लगे जी कि 34 साल मैंने पहले देखा तो यहाँ बहुत ज्यादा कब्रें हुआ। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास, ये निजाम है, आलम चलता रहता है। और टिब्बा फरीद से सारी कब्रें खत्म हुई। पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की जितने भी साथ साथ हैं, बाकी चंद तुर्बतें हैं, बाकी सारी खत्म हो गई। ये एक मुख्तसर सा तारुफ है पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का, जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया। जब ये सादात का खानदान, हसनी खानदान कहाँ से पहुंचा? मदीना से। मदीना, मदीना से गजनी पहुंचा, गजनी ये खानदान आबाद हुआ। अब गजनी खानदान आबाद होके फिर ये खानदान जो है आगे चला, फिर ये खानदान वहां से चला, कुछ लोग आए दिल्ली में बाद में, इससे पहले शेख जो है तशरीफ ले आए लाहौर में, और लाहौर में आके इन्होंने क्याम किया, और क्याम करने के बाद इन्होंने सारी जिंदगी के नचोड़ में चंद किताबें लिखी है। कशफुल असरार भी इनकी किताब का नाम है, लेकिन सबसे मशहूर जो किताब, जिस किताब ने सबसे ज्यादा शोहरत पाई, वो किताब है कशफुल महजूब। कशफुल महजूब का जो माना है वो ये है, महजूब हिजाबों की जमा है। हिजाब कहते हैं लेयर्स, तय, पर्दे, पर्दे के पर्दों से हिजाब उठता है, यानी पर्दे नकाब उनका खत्म होता है और पर्दे खुलते हैं और उनके राज खुलते और उठते हैं और वो राज मखलूक के खुदा को मिलते हैं, यानी वो तसव्वुफ के, मोहब्बत इलाही के, तौहीद और इसरार और रब्बानी के वो राज जो पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो राज पाए थे, वो सारे के सारे राज इकट्ठे करके एक किताब में समो दिए, उस किताब का नाम बन गया कशफुल महजूब। एक थोड़ा सा तारुफ है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है। अगली बात, आपका सिलसिला क्या था? आपका सिलसिला जुनेदिया था, हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का जो सिलसिला था वो आपका सिलसिला था। मसलक क्या था? आप हनफी थे, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मसलक के ऊपर चलने वाले आप हनफी थे, हजरत इमाम आजम के मसलक। अब थोड़ी बातें और आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ और फिर मैं जो है कशफुल महजूब को पढ़ के सबक बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। पहला सबक शुरू कर, पीर हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की तुर्बत पे बड़े बड़े औलिया कराम तशरीफ, पीर हजवेरी रहमत, इनकी तुर्बत पे बड़े बड़े अल्लाह वाले आए, बड़े बड़े अल्लाह वाले, हजरत मदनी तशरीफ ले आए, बड़े मुराकबा किया और हैरान हुए कि इतने बड़े प्रवेश। और सफरनामा लाहौर और लखनऊ है एक किताब, और एक किताब है सीरत अशरफ,
और एक किताब है आलम बरजख। इन किताबों में लिखा है कि हजरत हकीम उम्मत यहाँ तशरीफ ले आए मुराकबा की और कहने लगे कि इतने बड़े शाह सवार। किताब में लिखा है कि इतने बड़े शाह सवार के यहाँ फरिश्ते कतार अंदर कतार अब भी, फरमाया कतार अंदर कतार अब भी वहां जो है खड़े हैं, ये देखिए। हजरत दाता गंजबख्श के मजार शरीफ पर हादसे के बाद फरमाया बहुत बड़ी शख्सियत है, मैंने हजारहा मलाइका को इनके सामने सफ बस्ता देखा, अजीब रोब है, वफात के बाद भी सल्तनत कर रहे हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है सीरत अशरफ में आलम बरजख में सफरनामा लाहौर। और हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अजीब बात लिखी है, फरमाते हैं जिसको कोई पीर ना मिलता हो वो कशफुल महजूब को अपना पीर बना ले, और जिसको पीर मिल गया हो वो कशफुल महजूब से, वो पीर से कशफुल महजूब पढ़ ले तो अल्लाह पाक उसको ऐसी विलायत की खुशबू अता फरमाएंगे जो पीर अली हजवेरी को दी थी। मुख्तसर सी जमात कितनी खुशकिस्मत। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने तसव्वुफ इस्लाम में, मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने तसव्वुफ इस्लाम में किताबें उनकी पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बहुत मनाकिब लिखे हैं, उनके बहुत फजाइल लिखे हैं, उनसे बहुत ज्यादा मुतासिर है। और आपको एक चीज बता दूं, मेरी बात याद रखिएगा, पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह हमारे पीर हैं। हैं किनके पीर हैं? हमारे पीर हैं, ये लोगों के पीर नहीं है। इस वक्त मेरे पास एक किताब और है, ये किताब है हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी पे, ये किताब है। इस किताब के में एक हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जो हिजरा जाके मिलता है वो हसन मुसन्ना जो थे ये कौन थे, और बिन इमाम हसन और बिन अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब, ये हिजरा चलता है हसन मुसन्ना का पीर अली हजवेरी की तरफ आता है, और यही हिजरा सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तरफ जाता है। ये मेरे पास इस वक्त किताब है, उसके सफा नंबर 210 में मैं पढ़ रहा हूँ। ये बहुत बड़े सहबे कमाल दुर्वेश, सहबे विलायत दुर्वेश, और एक बात बता दूं, ना वाकफियत की बुनियाद पे हम कशफुल माजूब को घर में सजा के रखते हैं, कभी कशफुल माजूब से फैज नहीं लिया। जिस तरह, सुन लो मेरी बात को गौर से अल्लाह वालो, जिस तरह वली से फैज मिलता है इस तरह बादस विसाल उसकी तहरीरों से भी फैज मिलता, याद रखिए उसकी तहरीरों से भी, उस दरवेश की तहरीरों से भी फैज। और उसकी फैज के बारे में एक छोटी सी चीज आपको बताता हूँ, ये मेरे पर एक किताब पड़ी है मकतूबात सदी, शेख शरफुल हक अहमद याहिया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी हस्ती गुजरे हैं, बहुत से लोग इनको भूल गए, लेकिन मैंने शेख ने मुझे ये किताब भी सबकन पढ़ाई। इस किताब का नाम है मकतूबात सदी। इस किताब से आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ कि किताबों से फैज कैसे मिलता है, गौर से समझे। लिखा है आपके हम असर हजरत मखदूम जहानिया जहां गश्त, नाम सुना है रहमतुल्लाह अलैह, उस शरीफ में तुर्बत है। मकतूबात के मजमून में गोता जन होने के लिए कभी कभी बाज मकतूबात के लिए चिल्ला कशी फरमाते थे, अल्लाह हजरत की किताब में इतना गोता जन होते थे और उनको कर हजरत की किताब के फयूज और बरकात इतने खुलते थे कि महीनों और हफ्तों उसी में गर्क रहते थे। मखदूम जहानिया जहां गश्त, और उनसे बड़ी हस्ती हजरत मुजद्दद अलफसानी रहमतुल्लाह, सिलसिला नक्शबंदिया जिनसे हजरत मुजद्दद अलफसानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी चंद इक्तिबासात की तशरीहात अपने बाज मकतूबात में फरमाई है। बादशाह ने क्या किया, बादशाह ने कि हजरत शेख याहिया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। ये देखिये मौलाना अब्दुल बारी नदवी ने मखदूम जहां के बारे में कमालात लिखे हैं कि हजरत शेख याहिया मुनीर रहमतुल्लाह अलैह के कमालात लिखे हैं, और इधर मौलाना मनाजर हसन गिलानी ने इनके कमालात लिखे, और इधर सैयद सब्बाहुद्दीन अब्दुर्रहमान ने बज़्मे सूफिया में इनके कमालात लिखे हैं। ये वो हस्ती हैं जिनको लोग भूल गए हैं।
हजरत ने ना सुल्तान फिरोजुद्दीन शाह ने आपको याद फरमाया, सैयद सादात हजरत सैयद जलालुद्दीन बुखारी ने अपने खादिम की मार्फत बादशाह के यहाँ तबरकात भेजे। बादशाह मुतअज्जब हुआ, खैरियत तो है, अब की दफा याद फरमाई में इस कदर देर क्यों? खादिम ने कहा, सबब इसका यह है कि शेख शरफुद्दीन याह्या मुनीरी के मकतूबात आजकल मुताले में है, इसलिए हुजूर खलवत में रहते हैं और वहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं। यह सुनना था कि बादशाह ने अपना हुक्म मनसूख कर दिया। क्या हुक्म था? इनकी गिरफ्तारी का हुक्म था। और मुर्शिद जो है वो थे हजरत जलालुद्दीन बुखारी, जो मखदूम जहानिया जहां गश्त के बड़े थे, बाद रिवायत में मामू हैं। और मुर्शिद किताब उनकी पढ़ रहा और ये उनको गिरफ्तारी का हुक्म दे रहा है। अर्ज करने का मकसद ये हवाला देने का है कि बड़े बड़ों की किताबों से, बड़ों के मकतूबात से, बड़ों की तहरीरों से भी फैज लेते। ये जो मैं बात आपको इस वक्त बयान कर रहा हूँ कोई नई बात नहीं है, चूंकि रिवाज से चली गई है, चूंकि रिवाज से चली गई है इसलिए अनोखी महसूस होती है। और मेरे मैंने दर्स में बयान की ना जुमेरात वाले दिन, मुझे एक बंदे ने फतवा उस वक्त जाते जाते लगा दिया, जाते जाते उन्होंने कहा कि अकाबिर की तरतीब तो नहीं, अब ये क्या कर। मैंने कहा तुझे पता ही नहीं है, तेरे मुताले की कमी, तेरी मालूमात की तुझे खबर ही नहीं है, ये बड़ों बड़ों की, ये बड़ों बड़ों की तरतीब, ये मेरी तरतीब। किताबें सब गन पढ़ना, जैसे मैंने हजरत लाहौरी से फरमाया कि झुज्जतुल बालगा सब गन पढ़ी, शामीना रहमतुल्लाह अलैह ने अवारिफ अल मारिफ सब गन पढ़ी, अल्लामा इब्ने अरबी की, अल्लामा इब्ने अरबी की किताबें, अल्लामा इब्ने अरबी की किताबें, अल्लामा मोहियुद्दीन इब्ने अरबी की किताबें खुसूसुल हकम हमारे अकाबिर की जिंदगी में है, उन्होंने सब गन पढ़ी, सब गन पढ़ी। और हजरत लाही तो फरमाते हैं मुझे जंगल में ले जाके हुज्जतुल बालगा हजरत मौलाना बैदुल सिंधी रहमतुल्लाह, ये उनके खास नंबर में बात लिखी हुई, पढ़ लिख हवाले के तौर पे। बाकी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि इतने लोगों ने सब गन पढ़ी है किताब और किताबों से फैज हासिल किया और उनसे इस्तेफादा किया। रिवाज जो चीज चली जाए वो चीज बड़ी देर से समझ आती है, रिवाज से चली गई वो चीज देर से समझ आती है, क्योंकि वो रिवाज में थी ही नहीं, इसलिए देर से समझ आती। ये मेरे पास एक किताब है, इस किताब का नाम है सैयद हजवेर, ये लिखी है सैयद मतीन हाशमी साहब ने, दयाल सिंह के सर्च डायरेक्टर थे मौलाना सैयद मोहम्मद मतीन हाशमी रहमत, कमाल की तहकीक की है इन बंदों, ये 412 सफहात की किताब है और 412 सफहात में इन्होंने पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कमाल कर। ये कुछ इब्तदाई चीजें थी जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दी थी। अब यह कशफुल महजूब का सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन। ये पूरा खुतबा हम्द व नात अर्ज किया शेख ने, उसका तर्जमा उसके बाद फरमाते हैं, बंदा अली बिन उस्मान बिन अबिल हसन अली जल्लाबी सम्मल हजवेरी रहमुल्ला अर्ज परदाज है कि मैंने इस्तखारा किया और इन अगराज को जो नफ्स में फिरती थी दिल से दूर कर दी। दो चीजें इसमें, हमने कशफुल महजूब की इब्तिदा शुरू कर दी। शेख फरमाते हैं अल्लाह की हम्द व सना के बाद, हुजूर पे दरूद व सलाम के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने इस्तखारा किया, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली, अल्लाहुम्मा खिरली वख्तरली। मोमिन अल्लाह की इजाजत और मशवरे के बगैर कोई कदम नहीं उठता। आपको इस्तखारे का आज एक आसान अमल तरीका बताता हूं। ये जो मसनून इस्तखारे की दुआ है ना, ये मसनून दुआओं में मिल जाती है, छोटी छोटी किताबों में मिल जाती है मसनून इस्तखारे की दुआ। याद रखना कि इस्तखारा ये नहीं है कि इस्तखारा करेंगे, एक बुजुर्ग होगा उसने सब लिबास पहना हुआ होगा फिर आके बताएगा, ये नहीं। हमारा जो इस्तखारा करता है वो कभी नामुराद नहीं होता, जो इस्तखारा करता है कभी पेशेमान नहीं होता, जो इस्तखारा करता है कभी नादिम नहीं होता। वो इस्तखारा क्या है? वो इस्तखारा ये है कि आप ऐसा करें, उसका एक आसान तरीका बता, जिस काम जिस मकसद के लिए आपने अल्लाह जल्ले शान से पूछना है कि या अल्लाह ये मेरे इसमें मेरे लिए खैर है या नहीं, तवज्जो उसके लिए ऐसा करें कि वो मसनून दुआ जो है आप छोटी सी किताब में है लिख लें, कागज पे लिख लें, उसकी फोर्शर करा लें, हर नमाज के बाद उसको आप 7 दफा पढ़ना शुरू कर दें और सोते हुए उसको 7 दफा पढ़ के सो जाया करें और अपने मकसद का तसव्वुर कर लिया करें। बस चंद दिनों में, ताक दिनों में, 3 दिन 5 दिन 7 दिन 11 दिन, चंद दिनों के अंदर आपकी तवज्जो अल्लाह पाक उस चीज से हटा के दूसरी तरफ कर दे।
या फिर अल्लाह जल्ला शानू अगर वो काम कर भी दिया है, अल्लाह पाक उसको बड़े नुकसान से बचा देंगे, अल्लाह बड़ी जिल्लत से बचा देंगे। आप समझ आई? शेख ने इस किताब में सबसे पहले इस्तखारा किया क्योंकि अल्लाह पाक से मशवरा किया। अब अल्लाह पाक ने इसको ता कयामत जिंदा रखा है। दुनिया की पता नहीं कितनी जबानों में कशफ अल माजूब का तर्जमे हो चुके। 1936 में दो अंग्रेज थे, दो अंग्रेज 1936 में उन्होंने क्या किया, दो अंग्रेजों ने 1936 में, ये मेरे पास एक किताब है, ये कशफ अल माजूब की शरह लिखी है एक बंदे ने, 976 इसके सफहात है। इसमें एक अजीब बात लिखी है और बड़ी काम की बात लिखी। कहते हैं कि दो शख्स थे, एक का नाम था मोहम्मद फारूक, एक का नाम, और दूसरा का नाम था शहीदुल्ला। ये कशफ अल महजूब पढ़ के मुसलमान हो गए, अंग्रेज थे, गोरे थे, कशफ अल महजूब पढ़ के मुसलमान हो गए। जब मुसलमान हुए इन्होंने, ये पाकिस्तान में बरसगीर में आए, पाकिस्तान बरसगीर एक ही चीज थी। जब ये यहां पहुंचे तो इन्हें चाहिए था कोई मुर्शिद, कोई रहबर चाहिए। मुर्शिद दरअसल रहबर को कहते हैं। जो हजरत हज पे जाते हैं ना, हज पे जाते हैं, उनसे आप एक सवाल किया करें, और वो सवाल ये होता है कि आपको वहां रास्ते में नौजवान लड़के खड़े होते हैं, उनके गले में कार्ड होते हैं, उनके गले में नहीं है, इसमें है बस वो सफा नंबर मुझे नहीं मिल रहा, गले में कार्ड होते हैं, तो वो हज वालों के बस के आगे बैठ जाते हैं और बिल्डिंग तक छोड़ के आते हैं, उनको मुर्शिद कहते हैं। मैं अभी हज में मैं बस में था, मैंने कहा अभी आपको मुर्शिद आएगा, आपका सब रास्ता दिखाएगा। बंदा मेरे साथ था, वो कह रहे हो तो मुर्शिद पाकिस्तान में छोड़ा, मैं अभी आएगा देखना। तो ड्राइवर ने जोर से कहा ताल मुर्शिद, जोर से। एक नौजवान आया, उसके पास बस नंबर था, उसके लिए तैनात था वो बकायदा। उसने जनाब आके बैठा, पासपोर्टों का थैला हाथ में लिया और बिल्डिंग तक छोड़ के आखिर वो गया। मैंने कहा मुर्शिद वो ही है कि मुर्शिद कामिल ऐसा होगा जरा लू लू दे विच वसे हो। ये है मुर्शिद जो मंजिल तक छोड़ता है, आखिर मंजिल तक। लेकिन मैंने उनसे कहा, मैं देखो ये ड्राइवर को कह रहा है इस सड़क पे चलो, इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो, ड्राइवर इसकी मान रहा है, ड्राइवर इसकी ना माने और सवारियां भी इसकी ना माने और मुर्शिद भी कहे, फिर पहुंचेंगे मंजिल तक या वहीं घूमते रहेंगे? एक तो हमें मुर्शिद ने घुमा दिया था, उसको रास्ता भूल गया, उसको रास्ता भूल गया, बस घूम रही है इधर उधर घूम रही है। मैंने कहा मुर्शिद भूल गया, जो दो तब दो एक दो हज पे चला जाए उसको कुछ पता चल जाता है ना। मैं कहा मुर्शिद भूल गया, मैं इसको पूछ। वो ड्राइवर तो बेचारे मिस्री और यमन के आते हैं ना आज के सीजन में, बाहर से आते हैं, उनको पता नहीं होता। मैंने कहा मुर्शिद भूल गया, और मैं मुर्शिद भूल गया। फिर उसने फोन किया, पूछा, उसने कहा फला जगह। तो शेख ने इस्तखारा किया सबसे पहले। अच्छा, फिर इस्तखारे के बाद अगली बात सुन, कहने लगे मैंने इस्तखार किया उन अगराज को जो नफ्स में फिरती है। क्यों? नफ्स तीन किस्म के हैं, नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा और नफ्स मुतमईन। नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा और नफ्स मुतमईन। नफ्स अम्मारा वाहिद नफ्स है जो गुनाह की तरफ मायल करता है। तो फरमाया कि मैंने नफ्स में फिरती है दिल से दूर कर दिया और तुम्हारी दरखास्त के मुताबिक अल्लाह तुम्हें नेक बख्श करे, काम करने के लिए मुस्तैद हो गया और इस किताब से तुम्हारी मुराद पर लाने का मुसम्मम इरादा किया और इस किताब का नाम कशफ अल महजूब रखा, जिससे तुम्हारा मकसूद वाज़े हो गया कि इस किताब में तुम्हारे मकसद से ताल्लुक रखने वाली बातें कई अबवाब चैप्टर्स में मुनकसिम हो गई, तकसीम हो गई। इस किताब को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए अल्लाह से मदद और तौफीक मांगता हूँ, अपने कौल और फेल में अपनी ही ताकत और कुव्वत से बेजारी जाहिर करता हूँ और तौफीक और मदद अल्लाह ही की तरफ से है। मैंने जो किताब की किताब में अपना नाम लिखा है इससे दो चीजें मतलूब है। शेख फरमाते हैं मैंने किताब में अपना नाम क्यों लिखा, इससे दो चीजें मतलूब है, एक खास लोगों का हिस्सा और एक बात आम लोगों का हिस्सा। जो आम लोगों का हिस्सा है वो तो यह है कि जब इस इल्म से नावाकिफ लोग नई किताब देखते हैं जिसमें जा बजा मुसन्नफ का नाम लिखा हुआ हुआ ना हो तो उसको अपनी तरफ से मंसूब कर लेते हैं। इसमें शेख के साथ धोखा हो गया था। वही ये धोखा आज नहीं है, आज से ये हजार साल पहले किताब लिखी गई है। कितने साल पहले? हाँ, ये तकरीबन हजार साल पहले किताब लिखी गई है। तो शेख के साथ पहले धोखा हो गया था, इसलिए जा बजा अपना नाम लिखा, अली लिखा बार 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 बार, जिससे मकसद पूरा नहीं होता। किताब की तसनीफ और तालीफ और जमा करने से मुसन्निफ का इसके सिवा और मकसूद नहीं होता कि इस किताब से मुसन्निफ का नाम जिंदा रहे, पढ़ने वाले और तालीम पाने वाले लोग उसके लिए नेक दुआ करते रहे। क्योंकि मुझे ये हादसा दो दफा पेश आया। फिर शेख अपना वाक्य बयान कर,
एक दफा एक शख्स ने मेरे अशार का दीवान मुझसे मांग लिया और असल नुस्खा उसके सिवा और कोई ना था। भाई वो प्रिंटिंग का शोभा तो था नहीं, एक ही ब्याज होती थी हैं? या उसको हाथ से कलम करके लिख लेते थे, तो असल नुस्खा उसके सिवा था ही नहीं। उसने सबको उलट पुलट कर दिया और मेरा नाम उसके शुरू से उड़ा दिया और मेरी मेहनत जाय कर दी। अल्लाह उस पर रहम करे। दूसरा ये कि मैंने तसव्वुफ के तरीके में अल्लाह उसको आबाद रखे एक किताब तालीफ की, उसका नाम रखा मैंने मिनहाजुद्दीन। एक जलील मुद्दई ने जिसका नाम लिखने के लायक नहीं मेरा नाम उस किताब से उड़ा दिया और आम लोगों के सामने जहर कर दिया। किताब को उसने तसनीफ की, अगरचे खास लोग उसकी बात पर हंसते रहे, यहाँ तक कि अपनी बेबरकती की वजह से इस हद तक पहुंचा कि अल्लाह ताला ने उसका नाम तालिबान दरगाह इलाही के दीवान से ही खारिज कर दिया। उसकी एक वजह है, इस नुक्ते को समझने की बात है। उसने देखना कितना ताकतवर लफ्ज लिखा, तालिबान दरगाह इलाही, यानी अल्लाह की बारगाह के जो खास तलब करने वाले होते हैं, जो विलावली होते हैं, अल्लाह ने उन लोगों में उसका नाम खारिज कर दिया। और क्यों खारिज किया? और खारिज इसलिए किया, खारिज इसलिए किया कि उसने अल्लाह के वली के साथ दुश्मनी की थी। और जो अल्लाह के वली के साथ दुश्मनी करता है ना, अल्लाह का उसके साथ ऐलान जंग होता है। किसी ने पूछा कि अल्लाह पाक, अल्लाह का जो वली को होता है, अल्लाह उसके साथ ऐलान जंग करके अल्लाह उसका ईमान क्यों छीनता है? तो उन्होंने जवाब दिया, तरीका ये है, बादशाह जब किसी मुल्क पे हमला करता है तो सबसे कीमती चीज पे हाथ मारता है। नुकता समझ ले, वो जमीनें तो कब्जा कर लेता है, वो खजाना सबसे कीमती चीज होता है, उस पे हाथ मारता है। तो अल्लाह पाक जिससे नाराज होता है उसकी सबसे कीमती चीज ईमान से बढ़ के कीमती चीज कोई नहीं, ईमान से बढ़ के कीमती चीज। तो सबसे कीमती चीज ईमान होती है, उस ईमान में सबसे कीमती चीज ईमान होती है। ईमान पे हाथ जो है पड़ता है उसका ईमान चला। तो ये शेख ने फरमाया कि यहां तक कि अपनी बेबरकती की वजह से इस हद तक पहुंचा कि अल्लाह जल्ला शान उसका नाम तालिबान दरगाह इलाही से दीवान से खारिज कर दिया। लेकिन जो बात खवास का हिस्सा, वो ये है कि जब वो एक किताब देखेंगे उनको मालूम होगा कि इसका मुअल्लिफ और इस फन से और इस इल्म का आलिम और मुहक्किक गुजरा है, तो उसके हकूक की रियायत अच्छी तरह से करेंगे, उसके पढ़ने और याद करने में ज्यादा कोशिश करेंगे, और मुसन्निफ और पढ़ने वाले का मखलूक इससे अच्छी तरह कोई नहीं। इस्तखारा, और जो मैंने कहा है मैंने इस्तखारा किया, इससे मुराद अल्लाह के उन आदाब की निगहदाश्त से है जिनका अपने पैगम्बर इस्लाम और आपके मानने वालों ने इसका हुक्म दिया। वो ये, जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान मर्दूद से अल्लाह की पनाह मांग लिया करो, और इस्तेआज़तन यानी शैतान से अल्लाह की पनाह मांगना, इस्तेआनत हर बात में अल्लाह की मदद चाहना, और इस्तखारा अल्लाह से तलब खैर करना, सबके मानी तलब खैर, अपने तमाम कामों को अल्लाह के सुपुर्द करना और तरह तरह की आफतों से निजात हासिल करना है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह कुरान की तालीम दिया करते थे, इस तरह इस्तखारे की तालीम दिया करते थे। अब बात वाज़े हुई कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह जो फरमाते हैं कि जिस तरह सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की तालीम फरमाया करते थे, इसी तरह किसकी तालीम करते थे? हाँ, बस जब बंदा जानता है कि तमाम उमूर की बेहतरी उसके कस्ब उसकी तदबीर पर मौकूफ नहीं, कस्ब कहते हैं उसकी कोशिश उसकी तदबीर पर मौकूफ नहीं, बल्कि बंदों की बेहतरी को अल्लाह ही जानते, और जो भलाई और बुराई बंदे को पहुंचती है वो मुकद्दर है, बस ला महाला कज़ाई इलाही को तस्लीम कर लेने और उससे मदद मांगने के सिवा चारकार और है ही नहीं, और ताकि वो नफ्स अम्मारा की शरारत और सरकशी से बंदे की हर हालत में हिफाजत रखे और बंदे की बहबूदी और बेहतरी उसको अता हो, इसलिए जरूरी है कि तमाम कामों में बंदा अल्लाह से इस्तखारा करे ताकि वो उसको खता खलल और आफत से महफूज रखे। बात मेरी समझे है? नहीं, मेरे पास कलम है, आपकी स्याही वो है नहीं ली। ठीक है ना भाई, तो कशफुल महजूब का सबक आज ये पहला आपने सुन लिया। आज तारीख क्या है? आज की इन बातों से हमें क्या सबक मिला, उन सबक को बैठ के दोहराएं जरा। आज की इन बातों से, एक तो हमने सबसे पहला जो सबक लिया इन बातों से, आज की जो हमारी सारी गुफ्तगू हुई, हमें हजरते अली हजवेरी, पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ कहां से चले, कौन थे, क्या थे, किस तरह थे, और इस तारुफ में एक बात मैं कहना भूल गया, गुफ्तगू में आई फिर भूल गई थी। एक बात जो अहम हो, जो किसी किताब में नहीं मिलती, मैंने अर्ज किया था कि मेरा तकरीबन 21 साल का मुताला है और मैंने 21 साल मुताला किया रूहानियत पे, पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह भी मुताले में शामिल है। एक बात जो खास तौर पे वो इसमें नहीं, मैंने किताबों में नहीं मिलती, जो मैं आपको बताना चाहूंगा,
आपका कुछ अरसा कयाम यहाँ मियानी साहब के जहाँ कब्रिस्तान है इनके टीलों पे रहा, फिर लोगों ने यहाँ जहाँ आपने चिल्ला कशी की, इबादत की, अल्लाह का ताल्लुक और ध्यान हासिल किया, जवानी 34 साल की उम्र में तशरीफ लाए यहाँ लाहौर में, 34 साल की उम्र, 52 साल की उम्र में फौत हो गए, 60 साल की उम्र ज्यादा नहीं हुई, जिंदगी सा विसाल जो हुआ तकरीबन 52 साल की उम्र में, तकरीबन इसमें बाद लोगों कुछ कम बेशी है, तकरीबन 52 साल। तो यहाँ उन्होंने फिर मुगलिया दौर के बादशाहों ने उसकी जगह एक खूबसूरत मस्जिद बना दी, बहुत आलीशान मस्जिद थी। फिर वो मस्जिद वीरान होते 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 तो मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह एक दफा मुझे ले गए थे उस मस्जिद में, वीरान मस्जिद थी, तो वहाँ के लोग वहाँ शराब कशीद कर, उसमें गधे गधे थे, तो मैंने खुद देखे, और पुरानी लकड़ियां पड़ी हुई थी बालन जलाने का, पुरानी ईटे गंद खराबा, फिर वहाँ हिरनी बैठ के नशा करते थे। और फिर अल्लाह पाक से अर्ज करते करते अल्लाह का फजल हुआ, अल्लाह ने ऐसा असबाब बनाया, सबब बनाया गैब के खजाने से कि अल्हम्दुलिल्लाह अब वो मस्जिद हमारे पास है। मैंने एक दो बंदों का इसका इंकशाफ किया तो हैरान हो गए कि वाकई अजीब बात है, और ये किसी तारीख की किताब में आप कहते हैं मिलती नहीं है कि पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह की यहाँ कयामगा रही, चिल्ला कशी रही, इबादत का हिस्सा रहा, मियानी साहब के कब्रिस्तान में मस्जिद मौजूद है, मुगलिया दौर की बनी हुई, बड़ी पुरानी मोटी मोटी ईंटे, और आप अगली बात से हैरान होंगे मस्जिद के नीचे एक तहखाना है छोटा सा सीढ़ियां पर, और वो चिल्ला गा है, हुसूल खलवत के लिए, तन्हाई के हुसूल के लिए मस्जिद के नीचे जो है तहखाना। तो आज का जो हमारा ये तारुफ हुआ, एक तो आपको तारुफ सबसे पहली बात था, कशफुल महजूब का तारुफ और साहब कशफुल महजूब पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह का तारुफ हुआ, कौन थे, कहाँ से आए, हस्त नस्त क्या था, शिजरा क्या, ये तारुफ एक बात। दूसरी बात जो आपने कशफुल महजूब की इब्तदाई हिस्से में पढ़ी, आज के इसमें दो चीजें आपकी खास तौर पे नजर रही, दो तीन चीजों पे, पहली चीजों पे ये नजर रही कि उन्होंने इस्तखारा किया, इस्तखारे की अहमियत और इस्तखारे की हैसियत और इस्तखारे की जरूरत का एहसास हुआ कि इस्लाम में इसकी परम, इस्तखारे से मुराद क्या, एक और नुकता गौर सुन, इस्तखारे का नचोड़ क्या है कि मोमिन की जब भी नजर उठे अल्लाह पे उठे। अब सोचें पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह तो अपनी किताब लिखने पे नजर कहाँ उनकी गई, अल्लाह पे गई, ये सबक दिया है उन्होंने किताब पे शुरू कि हमारी जब भी नजर उठे किस पे उठे अल्लाह। मैं सच बताऊं सारी कशफुल महजूब हमें तौहीद की तरफ लगा, सारी कशफुल, और पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के सारे असबाक जितने भी आप पढ़ते चले जाएंगे इंशाल्लाह इसको खत्म करना है, इसको खत्म कर साथ देंगे ना, बेवफाई तो नहीं कर जाएंगे, ये मजामीन खुश होंगे आपको, किसे कहानियां हो, झूम झूम के हीर रांझा हो, वारिस हो, सुभान, मजामीन खुश, लेकिन आपको पता चलेगा और फिर आप अपने अंदर एक हैरत अंगेज रूहानियत महसूस कर, आप यहाँ से जाने के बाद तजुर्बा रूहानियत महसूस कर। तो पहली चीज ये है कि हमारी नजर अल्लाह की जात आली पे उठे, ये सबसे बड़ी तौहीद है और मोमिन का मिजाज है। वह एक बंदा मुझे कहने लगा, उसने कहा कि वो बंदा माँ को फोन कर रहा था, वही काबा में मक्का मकान में बैठा था, तब मताफ में बैठा हुआ, अम्मा को कहने लगा अम्मा दाता साहब जाके उठे देख पका मेरा दम बड़ा कुट रहा है, यानी मताफ में बैठा हुआ है काबा के सामने, कहने लगे एक देख जाके वंड, माँ को कह रहे एक देख जाके बांट, मेरी तबीयत बड़ी खराब हो रही है और परेशानी हो रही, दीवाने पीर अली हिजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने तो अपनी किताब लिखने से पहले इस्तखारा किया, काबा वाले की तरफ रुजू किया, और तू काबा में आके काबे वाले की तरफ रुजू नहीं कर रहा ज़ालिम, हैं? तू काबे में आके काबे वाले की तरफ रुजू नहीं कर रहा, तुमने काबे वाले से लेना ही नहीं सीखा, अल्लाह भी कुछ कर सकता है। मेरे शेख फरमाते थे चलो अल्लाह से इतना डर लो जितना थानेदार से डरते हो, कहने लगे इलाके के एस एच ओ और पटवारी से बिगाड़ के ना रखना, तो इतना ही चलो डर लो। ये सबक पहला दिया है कि अल्लाह से मांगना है, अल्लाह से लेना है, अल्लाह को चाहना है, अल्लाह ही से होता है, अल्लाह ही करता है, अल्लाह सब कुछ कर सकता, अल्लाह के बगैर सब कुछ कुछ ना कर सकता, ये पहला सबक है। पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में हम्द सना और सलात और सलाम के बाद पहला सबक यही दिया कि मैंने इस्तखारा की, इस्तखारे से मुराद किया है यही, तो फिर आगे इस्तखारे में वजाहत लिखी है, खुद लिखी है कि मैंने क्या कि मेरी नजर पहली अल्लाह की जात आली की तरफ, ये पहली नजर अल्लाह की जात आली की तरफ उठ जाना
یہ مومن کے دل میں اللہ کی ذات عالی کا آ جانا ہے، اور جس کی دل میں اللہ نہیں ہے، اللہ والے اس کے دل کی محبت کو، اس کے دل کی محبت کو اللہ کی محبت کے آگے بڑھا نہیں سکتے، اس کے دل میں پہلے رب ہے ہی نہیں۔ مجھے ایک چیز بتاؤ، پتھروں پہ کبھی گلو گلزار ہوتا ہے یا مٹی پہ ہوتا ہے؟ یاد رکھنا، یاد رکھنا، جس دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے، نہیں ہے، وہ دل پتھر ہے، اور جس دل میں کلمہ ہے یعنی اللہ ہے، اس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، وہ دل جو ہے وہ مٹی ہے۔ ہاں وہ بنجر تو ہو سکتی ہے، مٹی پھر آباد ہو جایا کرتی ہے، پتھر کبھی آباد نہیں ہے۔ نقطہ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ والوں کا فیض جو چلتا ہے وہ مٹی پہ چلتا ہے۔ ارے پتھر اگر میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ بھی جائیں نا، وہ پتھر تو پتھر ہی رہیں گے۔ وہ ابو جہل پتھر ہی تھا، وہ ابو لہب پتھر ہی تھا، عبداللہ ابن ابی پتھر ہی تھا، اس پتھر نے تو اللہ کے نبی کا فیض بھی نہ لیا اور محروم رہ گیا۔ محروم نہ رہا، رہا کیوں جی؟ محروم رہا۔ تو پہلا سبق جو آج ہم نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری نظر اٹھے تو اللہ کی ذات پہ، اور دوسرا سبق جو میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا ہے کہ آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں جو سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، انعم، تو انعام یافتہ لوگ چار ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء اور یہ صالحین اولیاء کرام، اللہ کے ولی۔ اور انہوں نے اس سبق میں، پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے، پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے اس سبق میں ایک بات فرما دی ہے، اور بعض اوقات میرے مرشد پیر علی حجویری نہیں فرماتے تھے، پتہ کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے میرے نانا علی حجویری رحمت اللہ، میرے نانا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے یہ سبق فرما دیا۔ کیا سبق فرما دیا؟ کہ میں نے سب سے پہلے استخارہ کیا، اور استخارے سے مراد یہ ہے کہ میں نے اللہ کی ذات کی طرف نظر ڈالی کہ اللہ تو کرے گا، خیر شر تیرے ہاتھ میں، خیر ہی و شر رہی من اللہ تعالی۔ پہلی بات تو یہ ہے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کی ہے کہ میں نے اپنے نفس اندر کا نفس امارہ، جو ہر ولی میں ہے، ہر فقیہ میں ہے، ہر کتب میں ہے، ہر ابدال میں ہے، ہاں اللہ چاہے، الا ما رحم ربی وما ابرئ الا النفس الامارۃ الا، قرآن کہتا ہے یہ نفس امارہ ہے، ہاں الا ما رحم ربی، جس پہ اللہ رحم کر دینا اس کا نفس اللہ پاک دبا دیتا ہے، اس کو شرارت اس کی ہو ہی نہیں سکتی۔ فرمایا پھر اللہ سے میں نے رحم مانگا، اللہ کا کرم کیا، لہذا اللہ نے میرے نفس کو فنا کر دیا، اور اللہ نے اپنی محبت کو، اپنے حبیب کی محبت کو غالب کر دیا۔ تو دوسرا سبق یہ ہے کہ اس میں ہم نے اللہ جل شانہ سے ہر وقت نفس کی شرارت کو دور کرنے کے لیے مانگنا ہے۔ اور یہ جو آیت ہے نا، جو بندہ اس آیت کو پڑھتا رہے گا، اللہ جل شانہ اس کو نفس اور شیطان کی شرارتوں سے صدا حفاظت اور محفوظ فرمائیں گے۔ یہ آیت بڑے کام کی ہے، اس آیت کا ورد کرنے والا نفس اور شیطان کی شرارتوں کی حفاظت میں۔ اور آخری بات جو شیخ نے لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ میں نے جگہ جگہ اپنا نام لکھا ہے، نام اس لیے لکھا ہے کہ کوئی بندہ اس کو اپنی طرف منسوب نہ کر لے۔ اس پہ بھی ایک بات بتاتا چلا جاؤں، غور سے سمجھیے گا، یہ بڑے کام کی بات ہے۔ وہ کیا فرمایا؟ مسلمان پہ بدگمانی نہ کر، لیکن اپنی چیز کی حفاظت کر، کہیں ایسا نہ ہو تیری وجہ سے کوئی گناہگار نہ ہو جائے۔ آپ سمجھے؟ تیری وجہ سے کوئی گناہگار نہ ہو جائے، تو اپنی چیز کی خود حفاظت کر۔ تیرا جوتا ہے، تیری سائیکل ہے، تیری موٹر سائیکل ہے، تیری سواری ہے، کوئی بھی زندگی کا سامان ہے، اس کی خود حفاظت کر، کوئی تیری وجہ سے گناہگار نہ ہو جائے۔ اس نے عورت کو کہہ دیا اپنا چہرہ ڈھانک لے، کہیں تیری وجہ سے کوئی گناہگار نہ ہو جائے، کہیں تیری وجہ سے کوئی گناہگار نہ ہو جائے۔ کیوں؟ کہ تجھے دیکھ کے مخلوق خدا گناہگار ہو جائے۔ یہ شیخ نے فرمایا، اس لیے جگہ جگہ اس سے جو مقاصد حاصل ہوتے ہیں، فقیر کی بات، دل دریا سمندر ڈونگے تو کون دلاندیاں جانے ہوں، یہ فقیر کی جو بات ہوتی ہے وہ گہری باتیں ہوتی ہیں، جو سبق اصل ایک ہوتا ہے لیکن سمجھانے میں بہت مقاصد ہوتے ہیں، اور بہت مضامین ہوتے ہیں، اور بہت پیغامات ہوتے ہیں۔ اس میں ایک پیغام یہ ہے کہ اپنی چیز کی اس لیے حفاظت کر کہ کوئی تیری وجہ سے گناہگار نہ ہو جائے۔ تو فرمایا، اس لیے میں نے جگہ جگہ اپنی کتاب کا نام میں اپنا نام لکھا، اپنی کتاب میں اپنا نام لکھا۔ تو ٹھیک ہے نا بھائی، آج کے آپ کے جو ہے
कशफुल महजूब का जो हलका है उसमें एक बात मैंने कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज कर दी है, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको नफा होगा। अभी तो इब्तदा की है, आज इब्तदाइया था। इब्तदाइया में जो है वो बिल्डिंग है ना टूटी फूटी हो, नक्शा नजर नहीं आता, रोड़ी पड़ी हुई है, बाहर ढेर लगा हुआ है हर तरफ। उसने कहा बस यहाँ ये बनेगा सी। उन्होंने कहा हाँ ठीक है जी, सुभान अल्लाह, नजर तो कुछ आ ही रहा। उन्होंने कहा देखना तो सही फिर क्या बनेगा। ये मुक्तुवात सदी है, इसमें से कुछ थोड़ा सा बरकत के लिए पढ़ लेते हैं, इंशाल्लाह बड़ी बरकत हो जाए। पहला मकतूब, ये हजरत ने शमसुद्दीन थे चौंसा जिला भागलपुर, ये चौंसा फल है ना ये एक इलाके के नाम की वजह से। चलो शुक्र है चौंसा को तो सारे जानते हैं, लाहौरी तो वैसे ही जाने चौंसा को, क्यों डॉक्टर साहब? चौंसा को लाहौरी तो वैसे ही जाने हैं, तो चौंसा को तो लाहौरी वैसे ही जानते हैं। तो चौंसा जिला भागलपुर इंडिया में एक जगह का नाम है, सहारनपुर में है किस जगह में? आप सहारनपुर के? भागलपुर में है, मैंने तहकीक की इसकी। तो भागलपुर तो ये वहां के एक नवाब थे, नवाब शमसुद्दीन उनका नाम था। तो शेख शेखुद्दीन याहिया मुनीरी रहमतुल्लाह जिनके ये मकतूबात सदी, तो शेख ने उनको खत लिखे अपने मुरीद को, क्योंकि फैज कलम से भी मिलता है, फैज कदम से भी मिलता है, कलम से भी कदम से भी। लेकिन उम्मत को नफा कदम से हुआ है, जब जिस कलम के पीछे कदम होगा उम्मत को उससे नफा होगा। अब आप चल के आए हैं, यही चीज आप नेट पे बैठ के देख लेते वो नफा ना हो, याद रखना जिस चीज के पीछे कदम ना होंगे, जिस चीज के पीछे उस चीज का नफा नहीं। ये चल के आना, कुर्बानी करना, छोड़ना, ये हर जुमेरात को चल के जो आते है ना ये कदम चलता है। सच बताओ जुमेरात को मखलूक को नफा हो रहा है नहीं हो रहा है? मुझे तो पता नहीं कितने से वाकयात मिलते हैं कि मखलूक के खुदा को कितना नफा हो रहा, उसकी बुनियाद कदम। तो शेख फरमाते हैं मेरे अजीज भाई शमसुद्दीन, तुमको अल्लाह जल्ला शानू दोनों जहां में इज्जत दे। मालूम होना चाहिए कि बुजुर्गों के नजदीक अजरू शरीयत और तरीकत हकीकत और मार्फत इजमालन तौहीद के चार दर्जे हैं, और हर दर्जा में मुख्तलिफ हालत अहले तौहीद की हुआ करती है। तौहीद का पहला दर्जा ये है, एक गिरोह फकत जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है मगर दिल से रिसालत और तौहीद हक का मुनकर है, ऐसे शख्स जबान शरह में मुनाफिक कहे जाएंगे। यह तौहीद मरने के वक्त या क्यामत के दिन कोई नफा नहीं पहुँचाएगी, सरासर वबाल और निकाले आखरत का बायस है, अल्लाह महफूज फरमाए। और तौहीद का दूसरा दर्जा, इसकी दो शाखें हैं, एक गिरोह जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है और दिल में भी तकलीदन एतिकाद रखता है कि अल्लाह एक ही है, कोई उसका शरीक नहीं, जैसे कि माँ बाप से उसने सुना, इस पर साबित कदम है। इस जमात के लोग आम मुसलमानों में है। और दूसरा गुरु जुबान से भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है और दिल में भी एतिकाद सही रखता है, इलावा इसके इल्म की वजह से अल्लाह की वादानियत पर सैकड़ों दलीलें भी रखता है। इस जमात के लोग मुतकल्लमीन यानी उलमाए जवाहिर कहलाते हैं, यानी आंखें हासिल करो, जाओ आंखें हासिल करो, खाक का हर जर्रा एक प्याला है जिसमें सारा जहान दिखाई देता है। समझने वाले इस लफ्ज को समझेंगे। आम मुसलमान मुतकल्लमीन यानी उलमाए जाहिर की तौहीद वो तौहीद है कि शिर्क जली से निजात पाना इससे वाबस्ता है, सलामती और सबात आखरत से मुलहक है, खुलूद दोज़ख से रिहाई है, बहिश्त में दाखिल होना इसका समरा है। अलबत्ता इस तौहीद में मुशाहदा नहीं, इसलिए अरबाब तरीकत के नजदीक इस तौहीद से तरक्की न होगी, अपना दर्जे पर किनात करना है। और तौहीद का तीसरा दर्जा, मुवाहिद मोमिन बाएतबाए पीर तरीकत मुजाहदा और रियादत में मशगूल रफ्ता रफ्ता ये तरक्की उसने की है कि नूर बसीरत दिल में पैदा हो गया है। और से सुनिए लफ्ज, रफ्ता रफ्ता उसने तरक्की की है, बार बार फकीरों की महफिल में आते आते आते। ठीक, ये जो पतली ईंटों की इमारतें हैं ना ये सदियों क्यों चलती है, पतली पतली, शाही किला बड़ी बड़ी, जलजले उन पे आते हैं वो वैसे खड़ी रहती, और उनके बनाने में वक्त भी बड़ा लगता है 500 साल हो गए, 1000 साल हो गए, उन्होंने कहा किला मौजूद है इमारत खड़ी है। जो चीज आहिस्ता आहिस्ता तह दर तह आएगी उसमें वक्त तो लगेगा लेकिन पायदार वही चीज है। मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह इस बात से डरते थे क्योंकि बंदा आया और आते ही उसने जो है ना खूब दिन रात एक कर दिए, ये अभी तहज्जुद भी पढ़ रहा है कि नफिल भी पढ़ रहा है और फर्ज भी पढ़ रहा है और ये भी कर दिया, कहते थे मुझे इससे खतरा है, फरमाते मुझे इससे खतरा है। जिस तरह तेजी से ये बंदा है ना उतनी तेजी से जाता चला जाता है। मैं नहीं कहता कि आप आहिस्ता आहिस्ता आए, उन्हें उसने तारिक ने कहा था आहिस्ता आहिस्ता, एक बंदा गुनाहों की जिंदगी में डूबा हुआ है,
सारी रात जो है मोबाइल की जिंदगी में उसको फुर्सत ही नहीं मिलती। अब उससे कहा जाए तो ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा गुना तो वो जहर है कि उससे ऐसा ऐसा नहीं, बस यूं निकल जाए, बड़ी मेहरबानी है कि निकल गए। तो तौहीद की जो नेमत है ये फकीरों की महफिल में बैठते बैठते हासिल हो जाया कर। शेख ये फरमा, किसी सराय में एक सौदागर उतरा, उसकी शोहरत हुई, लोग उसका माल असबाब देखने को चले, मुलाकात के खा हुए। एक शख्स ने जैद से पूछा, भाई तुम कुछ जानते हो फला सौदागर आया हुआ? जैद ने कहा, हाँ सही खबर है, क्योंकि मुतबर दराय से मालूम हुआ है, ये तौहीद आमियाने की मिसाल है। दूसरे ने अमर से पूछा, हाजी हजरत आपको उस सौदागर का हाल मालूम है? अमर ने कहा, खूब, अभी अभी मैं उसकी तरफ से आया हूँ। सौदागर से मुलाकात तो ना हुई, मगर उसके नौकरों को देखा, उसके घोड़ों को देखा, असबाब देखने में आया है, फरमाया जरा शुबा उसके आने में नहीं है, यह तौहीद मुतकल्लिमाना है। तीसरे शख्स ने खालिद से पूछा, जनाब उसकी खबर रखते हो? सौदागर साहब सराय में तशरीफ रखते हैं। खालिद ने जवाब दिया, बेशक मैं तो अभी भी उनके पास से आया हूँ, मुझसे अच्छी मुलाकात हुई, ये तौहीद आरिफाना है। देखो, जैद ने सुनी सुनाई पर इतकाद किया, अमर ने इसको असबाब, इसको कहते हैं घोड़े को, असबाब पर देखकर दलील कायम की, खालिद ने खुद सौदागर को देखकर यकीन किया। तीनों में जो फर्क के मरातिब है इसके बयान में सबकी हाजत रहना रही। अहले तरीकत के नतीजे जिस तौहीद में मुशाहदा ना हो वो तौहीद की सूरत और तौहीद का कालिब है। मुशाहदा से एतकाद की कोई निस्बत नहीं, क्योंकि एतकाद दिल को खामखा एक चीज का पाबंद कर लेता है। ये बारीक बातें हैं, सुन लेना, समझ ना आए तो सुन लेना। और मौजूदा हर बंद को खोल देता है, और मुशाहदा से इस्तेदलाल को भी कोई मुनासबत नहीं। मुझे एक चीज बता दें आप जरा, अली फनार का पहले दिन पता चल जाता है, हैं? उस दिन मैं अब छोटे लबीब को पेन पकड़ना सिखाया, भाई इन दो उंगलियों के दरमियान दे, उसकी माँ बेचारी लगी हुई है कि वो यूं पकड़ रहा है। मैंने सोचा इसको पेंसिल पकड़ना सिखाया जा रहा अभी, फिर कहता है मुझे वही जमाइया लेने जाता, कहीं मुझे नींद आ रही। अच्छा चार सो जाओ फिर जाके खेलना शुरू कर देते। अरे अल्लाह वालों, ये दुनिया की छोटी छोटी लाइनें, इसमें तो पेन पकड़ना सिखाया जाए, और आरिफाना और मार्फत की इतनी गहरे रास्ते, तो इसमें कोई वक्त भी नहीं। अभी से घबरा गए कि बात तो समझ ही नहीं आ रही है। मकासद इतने ऊंचे कि हमने कयामत के दिन पीर अली हजवेरी के झंडे के नीचे जाना है, हैं? और वो जा रहे होंगे अल्लाह के नेक बंदों के साथ। हाजी तो सिफारिश कर सकता है 400 बंदों की, और जिसकी तालीमात से लाखों करोड़ों हाजी बने वो सिफारिश नहीं करेंगे। सोचो तो सही, मकासद तो इतने ऊंचे, और अभी से तबीयत घबरा गई कि ये क्या हो गया। तो आज का पहला सबक हम यहाँ लिख लेते हैं। आज क्या तारीख है भाई? अल्लाह पाक हमारी इस हाजिरी को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। इंशाल्लाह वक्तन फवक्तन अब एक मशवरा आप दे दें, उसके बाद दुआ करते हैं।